हे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन डॉक्टर हाथी की एंट्री होगी शो में, यानी कि नए डॉक्टर हाथी की, और कब इसकी शूटिंग हुई थी, और डॉक्टर हाथी इतने टाइम तक कहां गायब हो गए थे स्टोरी के हिसाब से, और अपकमिंग एपिसोड में क्या होने वाला है, तो इसका एक पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको। तो देखते रहिए दोस्तों ये पूरी वीडियो, और अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दे ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि निर्मल सोनी, जिन्होंने सबसे पहले डॉक्टर हाथी का रोल निभाया था, वही होंगे नए डॉक्टर हाथी। तो फ्रेंड्स, इनकी जो एंट्री होगी शो में वो काफी खास ओकेजन पे होगी, 13 सितंबर को होगी इनकी एंट्री, और इन्होंने पहले एपिसोड की शूटिंग ऑलरेडी कर ली है। पिछले संडे को ही फिल्म सिटी में, यानी कि 2 सितंबर को उन्होंने अपना पहला एपिसोड शूट किया है, और गणेश चतुर्थी स्पेशल एपिसोड में डॉक्टर हाथी की एंट्री होने वाली है। और अगर बात करें कि डॉक्टर हाथी कहाँ पर थे इतने दिन और कहाँ से वापस आ रहे हैं शो में, तो उसके लिए ये बताया जाएगा कि जो अभी केरला में फ्लड आए हैं, तो डॉक्टर हाथी ने उन्हीं की मदद के लिए मेडिकल कैंप लगाया होगा, और कोमल भाभी उनकी सोसाइटी में वापस आने की न्यूज देंगी सबको। और 13 सितंबर को, यानी कि गणेश चतुर्थी एपिसोड में ये बात होगी टप्पू सेना और बाकी लोगों के बीच में कि सबसे पहले कौन सी फैमिली आरती करेगी, तो फिर ये डिसाइड होगा कि हाथी फैमिली करेगी आरती की शुरुआत। तो इस तरह से होगी नए डॉक्टर हाथी की एंट्री तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपकमिंग एपिसोड में। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी तक भी आपने बॉलीवुड टॉक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे ही लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसके साथ है बेल आइकन, दोनों को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।